हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल के प्रेडिक्शन की। और आज का प्रेडिक्शन होगा दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच में। पर दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेडिक्शन को बिना किसी देरी के। बात करें दोनों टीम्स की तो दिल्ली एक बहुत ही शर्मनाक हार के साथ इस मैच में आ रही है, जो अपना आखिरी मैच सीएसके के अगेंस्ट हारी। वहीं दूसरी ओर पंजाब भी अपना आखिरी मैच 5 विकेट से हार कर आ रही है। टेबल की बात करें तो दिल्ली तो वो अब तक 11 मैचेस खेल चुकी है और अभी 10th प्लेस पर है विद 8 पॉइंट्स। वहीं दूसरी ओर पंजाब अभी 8th प्लेस पर है विद 10 पॉइंट्स। अब सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे प्लेयर्स इन फॉर्म की। तो पीबीकेएस के टॉप परफॉर्मर्स में आते हैं प्रभसिमरन सिंह, भानुका राजकपासा और जितेश वर्मा। डीसी के टॉप परफॉर्मर्स में आते हैं डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ और रोवन पावल। बात करें वेदर रिपोर्ट की तो टेम्परेचर रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी विल बी 38%, विंड स्पीड विल बी 11 किलोमीटर पर आवर एंड देयर विल बी 10% चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। बात करें टॉस एडवांटेज की तो दोनों ही टीम को फायदा है बैटिंग पहले करने में और एक दूसरे के खिलाफ एक डिफिकल्ट टारगेट सेट करने में। बात करें पिच रिपोर्ट की तो अरुण जेटली का सरफेस थोड़ा स्लगिश है, यहाँ पर बैटर्स को एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा, हालांकि स्पिनर्स बैटर्स को परेशान कर सकते हैं। बात करें वेन्यू स्टैट्स की तो टोटल 13 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 4 मैचेस जीते गए हैं जब बैटिंग पहले की गई है और 9 मैचेस जीते गए हैं जब बॉलिंग पहले की गई है। वहीं अगर इंजरीज की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट ड्यू टू हैमस्ट्रिंग इंजरी। बात करें हेड टू हेड स्टैट्स की तो दोनों टीम के बीच में 30 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से डीसी ने जीते हैं 15 मैचेस और बीबीकेएस ने जीते हैं 15 मैचेस। अब हम लोग बात करेंगे ड्रीम 11 के विकेट कीपर पिक की तो फिलिप सॉल्ट ने अपने 6 मैचेस में 168 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 28 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 175। वहीं दूसरी ओर जितेश शर्मा ने 260 रन बनाए अपने 11 मैचेस में, एवरेजिंग स्कोर 26 एंड स्ट्राइकिंग आउट एट 160.49। बैट्समैन की बात करें तो शिखर धवन ने अपने 8 मैचेस में 349 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 58.16 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 143.62। दूसरी ओर रायली रॉसो ने अपने लास्ट 6 मैचेस में 122 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 24.4 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 124.48। ऑलराउंडर्स की बात करें तो अक्षर पटेल ने 267 रन बनाए अपने 11 मैचेस में एट एन एवरेज ऑफ 33.37 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 138.34। यही नहीं, अक्षर पटेल ने 9 विकेट्स भी हासिल करी अपने नाम। वहीं दूसरी ओर सैम करन ने 196 रन बनाए अपने लास्ट 10 इनिंग्स में एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 137.06 एंड एन एवरेज ऑफ 24.5। और यही नहीं, उन्होंने 7 विकेट्स भी हासिल करी विद द इकोनॉमी रेट ऑफ 10.28। बॉलर्स की बात करें तो कुलदीप यादव ने अपने 11 मैचेस में 9 विकेट्स हासिल करी एट एन एवरेज ऑफ 30.44 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 26 एंड इकोनॉमी ऑफ 7.02। इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करें तो डीसी के इम्पैक्ट सब ऑप्शन रहेंगे रायली रॉसो, रोमन पॉवल, ललित यादव, अभिषेक पोरेल और यश धुल। पीबीकेएस के इम्पैक्ट सब ऑप्शन रहेंगे प्रभसिमरन सिंह, सिकंदर रजा और अथर्व टाइडे। तो ये थी आप सबके सामने फाइनल ड्रीम 11 टीम्स। अगर हम टीम 1 की बात करें तो विकेट कीपर्स में रहेंगे फिलिप सॉल्ट और जितेश शर्मा, बैट्समैन में रहेंगे डेविड वार्नर, रायली रॉसो और शिखर धवन, ऑलराउंडर्स में रहेंगे लियम लिविंगस्टोन, अक्षर पटेल, सैम करन और मिशेल मार्च, बॉलर्स में रहेंगे अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। इस टीम के कैप्टन रहेंगे शिखर धवन और वाइस कैप्टन रहेंगे सैम करन। अगर हम बात करें टीम 2 की तो विकेट कीपर में रहेंगे फिलिप सॉल्ट, बैट्समैन में रहेंगे डेविड वार्नर, रायली रॉसो, शिखर धवन और मनीष पांडे, ऑलराउंडर्स में रहेंगे लियम लिविंगस्टोन, अक्षर पटेल और सैम करन, बॉलर्स में रहेंगे अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और नेथन एलिस। इस टीम के कैप्टन रहेंगे लियम लिविंगस्टोन और वाइस कैप्टन रहेंगे फिलिप सॉल्ट। बात करें मैच विनर की तो दिल्ली कैपिटल्स आर एक्सपेक्टेड टू विन दिस वन। तो ये थी हमारी एक्सपर्ट ड्रीम प्रेडिक्शन।
अगर आपको ये प्रेडिक्शन अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और आपके हिसाब से इस मैच में कौन जीतेगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।